कोनी खाटू आज कोनी खाटू खटे से बारे कोनी की खाटू तय हम किस गली में बैठे बोलो प्रेम भाया दरबार की ऐसी नगरी में बैठे हुए ऑटोमेटिक प्रेम बरसता है रास्ते नहीं कई सालों से 60 सालों से 65 सालों से इस गली में प्रेम बरसता है एक जगह बोल खाटू नरेश की शीश के हारे के पीना सभी को प्रेम भरा जय श्री जय श्री जय श्री आभार हमारे सुनी भैया लेकिन भैया दोनों ठीक नहीं है सच्चे दिल से भार कि प्रेम निभाने यहाँ पर घरे और अभिषेक को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की ताली बजा बड़ा जोरदार भाग और एक दूसरे की जोरदार ताली हमारे प्यारे प्यारे सजन के लिए भाई संजय भैया प्रभु के चरण मानते हैं संजय भैया जोरदार ताली और कितने सरस्वती की पुजारी के लिए ताली जोरदार देना चाह रहे हैं आपको मन से भी कम से भी हम तरह देना चाहेंगे उनको और साउंड वाले भैया श्री कृष्ण काफी टाइम बाद प्रभु के चरणों में हम सभी काफी टाइम बाद आए हैं बोलो खाटू नरेश की चलते हैं हाँ बोलो बातें करने वालों की जय तो बोल दो बातें करने वालों की हाँ देखो भगत जी आलोक सिंह जी महाराज कह गए हैं बोलने का सुनाए का और फिर बोला रह जाए तो रहना नहीं है कहना है सिर्फ अपने दिल की बात बाबा से आइए चलते हैं बाजो 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 शाम शाम नित में रटू शाम है जीवन प्राण ये शाम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम तेरे दरबार की अजब ये जलवागिरी देखी इनायत की नजर तेरी हर एक पे एक सी दे बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दर पे बनी देखी तुझे देते नहीं देखा मगर झोलियां भरी एक जगह विश्वास की बोले नीले के असवार की आज बाके अभिषेक बड़ा प्रेम बरस रहा है यही तुमने गवाया है चाहे जितना ले ले काला काहे को तरसता बोलो चाहे जितना ये प्यार गरीबों की कुटिया में बरसता है ये प्यार कुटिया अब देखो जितने गरीब हैं वो दोनों हाथ ऊपर कर इसके आगे तो हर कोई गरीब ही रहे अमीर तो यही तो दोनों हाथ बताए 1 2 3 4 Yeah.
चाहे जितना ले ले खाना।
बाद जमाने में निराली देखी, प्रेम के प्रेम से फलती हुई डाली देखी। प्रेम एक हैवान को इंसान बना देता है, और ये प्रेम ही तो है जो पत्थर को भी भगवान। घर वापस जाओगे, ये लाइन अभिषेक कह रहा है कि बाबा जब कीर्तन हो जाएगा तब मेरे साथ क्या होगा। घर वापस जाओगे, दिल तोड़ के जाओगे, बारी दिल तेरा मेरा एक जैसा लगता है। कितने लोगों को महसूस होता है कि आपका और मेरा दिल जैसा सवाल है, तो दोनों हाथ पकड़ना। बन बारी दिल तेरा मेरा एक जैसा लगता है, बाबा जी दिल तेरा मेरा। चाहे जितना ले ले गाना, चाहे तरसता है, 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 चाहे तरसता है। आयुष सुमानी के बड़े मन की बात है, बता भी जाता इतना प्यारा अभी अपने भाव से भक्तों को रिझा रही। जोरदार ताली आयुष सुमानी प्रभु चरणों में है, और अभिषेक को कहने का बड़ा दिल बाबा के चरणों में लगाते हैं, बाबा की हाजिरी लगाता है। बाबा दोनों हाथ ऐसे इसके सर पर रखे, मस्त है। मोरा चुन चुन कहियो मास, ये तो मेरा मत खाइए, जड़ श्याम दरसरी छूटने की। हाँ बिन नाथ अनाथ की जी, हाँ बिन नाथ अनाथ की जी, गुण राखे गोटे मासा था के, अरे मासा था के, खासो तो मारो बस एक खाटू का राजा, मेहर करो उठासो विनती करो, सुनो जी खाटू का राजा, ओ मेहर करो जी दाता तेरे ना करो, दरबार में दो भगत बैठे, एक पूरी बॉडी को नचाते हैं और एक मन को नचाते हैं। बॉडी को नचाने वाला खड़ा होकर नाचता है, और तन को नचाने वाला बैठकर अपने हाथ की ताली बजाता है, मन को नचाता है। कितने लोग मन को नचाने के लिए बैठे हैं? एक दो तीन। अरे
आप सब बैठ जाओ, नहीं पीछे चले जाओ, आगे का कोच खाली करो। नितिन दिगल और सनी भी दोनों आना, क्योंकि ये लाइनें आपके दिल को ऐसी छूती है और आपका उसमें आनंद बरसाते हो ना। थोड़ा पीछे बजाओ, ताली बजाओ सनी भी, जो दो तालियां। साथी मारे जीविका थे
साथी मारा जीवेगा जी खासू छानी जान पूछ के मत कर साओ जान हिरवे से ले वो लिपटा द्रौपद सुधा की लज्जा राखी गज को काट्यो फन सुनकर तेरे तेरे मत की जो शाम बिहारी ब्रज काटो का ए रंगी गुबारों से मंडप सजाया है माखन मिश्री का एक केक मंगाया है इसको चखेगा शाम हम सब बोलेंगे हम सब बोलेंगे हम सब बोलेंगे रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है रंगी गुब्बारों से I know.
ध्यान नहीं है ना, आपका ध्यान कहीं और चलेगा, चल जाएगा उस सेठ का ध्यान कहीं और चले जाएगा। ये तो क्षेत्र में जाते हैं, सबको अलग अलग सिंगार में मिलता है, ऐसा दरबार कहीं नहीं मिलेगा, ताले बजाने का दरबार कहीं मिलता है। भगत क्या कह रहा है, शाम तेरा मंदिर संग मर मर का कि घर मेरा है सस्ते पत्थर का कि घर, लेकिन हर पत्थर में प्यार समा पूरे शहर के उपकार 80% ऐसी। तो बाबा जी देखते शाम तेरा लकड़ी का दरवाजा, लकड़ी का दरवाजा हमारे यहाँ दिल का है दरवाजा, हमारे यहाँ दिल का है दरवाजा, हमारे तो लकड़ी भी नहीं है, अब देखा रहना उससे निकल जाओगे। ये प्रेम है, ताली नहीं करूंगा सर, ये प्रेम है, क्योंकि हम ताली बजाते हैं तो प्रेम झलकता है, आपकी ताली के एहसास से उसको पता चलता है कि आपको क्या काम है, कितना बड़ा काम है। भगत उतनी ही तेज ताली बजाता है, उसको मतलब नहीं होता कौन बैठा है कौन बैठा है, देखो कितना एहसास कराना है। नितिन भैया आपने कहा भी एक महीना है, नितिन भैया आपने कहा एक महीना है, मैं तो एक सेकंड काटना भारी पड़ रहा है। मेरी छोटी सी ध्वजा बनने वाले, मेरी छोटी सी ध्वजा बनने वाले, ओ मम्मी हाथ काटी कटे कटे कौन कौन बनवा रहा है ध्वजा,
शाम तेरे चांदी का सिंहासन, यहाँ पे मेरी पलकों का है आसन। एक चांदी का, एक नैनों का, एक चांदी का, एक चांदी का, एक नैनों
एक बार सब लोग दोस्तों ले लेते हैं, बैठ जाइए, बैठा दो प्लीज भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ मामी से, बैठ जाओ। जो लोग पीछे हैं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, निवेदन आप लोगों से, कृपया शांति बनाए रखिए। निवेदन थोड़ा सा बदलाव जरूर आता है, बड़े से बड़ा शो हो, बड़े से बड़ा कीर्तन हो, अच्छी तरह पता है, पूरी जिंदगी देखते होंगे कि एक समय ऐसा कीर्तन में आता है जो थोड़ा सा चेंज जरूर होता है। आइए सबसे पहले इस पूरे दरबार के लिए, बाबा की ज्योत के लिए, बाबा की छवि के लिए, इस संपूर्ण श्याम दरबार के लिए हमारे इस पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। शायद किसी को इस दरबार का महत्व तो पता चला हो या ना चला हो, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी ये आगे वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं जहां बाबा का दरबार लगा है, अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। परिचय तो मैं क्या दूं, लेकिन फिर भी आज एक जो चले गए हमारे भजन गायक गायिकाएं जो बैठे हैं, सभी से एक बात आज मैं कहना चाहूंगा, एक बड़ा होने के नाते, कि दरबार की तमीज और दरबार की तहजीब हमको कहां का बच्चा इस बच्चे से सीखनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इसके लिए कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाए, बाबा के दरबार में जाकर मर्यादा कैसे रखी जाए, मासूमियत क्या होती है। ठीक है, हालांकि उम्र बहुत कम है, लेकिन भगवान आज जन्मदिन है, खूब सारी दुआएं शुभकामनाएं दे रहा हूँ, आशीर्वाद पूरे हमारे श्याम दरबार फरीदाबाद की तरफ से। माता जी भी यहाँ पर है, वो दरबार में आशीर्वाद देने के लिए है। सनी भैया जी यहाँ पर हैं जो दरबार में इस समय विरासत जिनको दरबार में मौजूद है, मिली है, और इस दरबार में इनका होना ही अपना आप में हम लोगों के लिए, जयपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप किस रूप में ले रहे हैं दरबार को, नाचे कूदे चलती है नहीं, ये आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घेर के बैठो बाबा को एकदम, हमको इस जोत पर बैठने वाला ये सौभाग्य दोबारा कब मिलेगा, यही बैठ जाओ, बस सब क्या कर आओ, कुछ भजन आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ, दरबार में बैठ जाओ सब लोग। आइए सबसे पहले बाबा के चरणों में एक बहुत पुरानी रचना से आरंभ करने जा रहा हूँ, जितनी भी देर बाबा मंजूर करे हाजिरी, दो भजन चार भजन हम सब मिलकर गाएं, आप गाओ मैं गाऊं, और भैया जी दरबार में बैठे मैं चाहता हूँ बाबा बोर चढ़ी चाहे बैठे बैठे ही किसी के सिर पर रखे, लेकिन आज हमारे घर में रखे जरूर। मैं नहीं कहूँगा बाबा से कि आपको तकलीफ देंगे बाबा, लेकिन फिर भी क्योंकि आप हो इसलिए हमारी
आशाएं बहुत ऊपर है, विश्वास बहुत हमारा प्रगाढ़ है, इसलिए आपसे चाहते हैं। और एक बड़ा प्यारा भजन सबसे पहले आप गाओ, हम सब मिलकर गाते हैं। बोल खाटू नरेश की, ऐसे नहीं, एक जोरदार जयकार लगे, बोल श्याम, बोल हरे के सहारे। चलिए त्रेता युग में राम बना, त्रेता युग में राम बना, द्वापर में घनश्याम बना, त्रेता युग में राम भजन सुनना नहीं है, गाना बैठकर सब बाबा को सुनाओ, बाबा की तरफ देखकर गाओ, ऐसे हाथ से इशारा करके, बाबा आपके लिए गा रहे हैं हम सब गाओ करके। अपने भक्तों की खातिर आज तू बाबा श्याम बना, हो कोई नहीं है इस कलयुग में कोई, तुम सा देव महान तेरा जय, शीश के दानी महाबलवानी खाटू वाले श्याम तेरा, सब मिलके जयकारा है, कैसे गाओगे? देखो पूरे हिंदुस्तान में एक बात प्रसिद्ध है हम लोगों के लिए कि अगर खाटू सबसे जल्दी कोई पहुंच सकता है मतलब बाबा कृपा बनाए रखे तो जयपुर वासी, खाना घर में खाएंगे पानी खाटू जाकर पिएंगे, ये बहुत एक प्रसिद्धि की बात है, बाबा भी हंस रहे हैं देखो, बोल श्याम कह रहे हैं कि आओ एक जयपुर वाला, हाँ सच बता रहा हूँ, आनंद लो के तो जरा हाथ खोल के एक बार और खाटू वाली तालियां बजा के जोरदार, शीश के दानी महाबलवानी खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है, शीश के दानी महाबलवानी खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है, जयकारा है जयकारा श्याम धड़ी का जयकारा हो, जयकारा है जयकारा श्याम प्रभु का जयकारा। कैसे लगाओगे? हाथ खोल के क्या करते हैं भाई साहब, समझ ज्यादा नहीं बुलाते, क्या करोगे भीड़ लेके, बताओ भीड़ नहीं आप लोग कर रहे हो, अच्छा एक बार तालियां बजाएं सब लोग, नाम की महिमा भारी है लीले की असवारी है, अरे इसमें कोई शक ही नहीं तू कलयुग अवतारी है, बन गया तीरथ धाम तेरा जयकारा है।
बच्चा हम सबका लाडला है और ये तय है। मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों जब से बाबा की कृपा हुई दरबार से जुड़ा, बाबा ने अपने चरणों में लगाया, लाड़ लगाया और आज लाड़ की ये चरम सीमा हुई कि रोज हम तेरे दर में आते थे बाबा, आज तू मेरे घर में आ गया। ये कृपा है बाबा, बस ये चरम सीमा है लाड़ की, समझ लो भाई। ये बड़ा प्यारा भजन हम सब मिलकर इस बच्चे की तरफ से जन्मदिन की दुआएं आशीर्वाद के रूप में बाबा के चरणों में लाएं। कहने लगा बाबा खुशियों का पानी है, कल तक गम सब लो सब लो, आज खुशियों का पानी है। पर बाबा देखो एक दुनिया में एक सिस्टम है कि इंसान जब बन जाता है उसके बाद लाखों गॉड फादर पैदा हो जाते हैं। हमने बनाया, आज मैं सुनता हूँ पूरा हरियाणा गांव में, हरियाणा का हर गांव वासी कहते लखा जी मेरे आप रहे थे 1100 हर आदमी, मतलब मैं 150-200 लोगों सुन चुका लखा जी मेरे आप रहे। भगवत जागरण वाला कहते नरेंद्र चंचल जी को हमने बनाया, लेकिन बनाया कौन, केवल बाबा बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। इतने है बोल हारे के हाँ भाई बाबा वाले हैं। इसलिए कहा बाबा सुना मेरा जीवन था तू बन के बहार मिला, मेरी नाव भंवर में थी बन के पतवार मिला, कल तक गम के आंसू
मासूम थे, आज खुशियों का पानी है। कहो कहो, कल तक गम आंसू थे, आज खुशियों का पानी है। क्यों, कारण क्या इस बात का? आज खुशियों का पानी, जो कुछ भी हूं मैं बाबा तेरी मेहर, जो कुछ भी हूं मैं बाबा तेरी मेहरबानी है। तुमसे ही मिली खुशियां, तुमसे जिंदगानी है। भैया जिसको मिली हो जरा हाथ खोलना एक बार, जिसको बाबा ने दिया हो, ऐसे छोटे छोटे नहीं, जितना लिया हो पूरे हाथ खोल के जोरदार ताली भैया के दिया। तुमसे ही मिली खुशियां, तुमसे लोगों की जिंदगी निकल जाती है बैठने में, और आप बैठे हो तालियां बजाओ, कहने का मतलब ये है आगे बैठे हो कम से कम फायदा उठाओ, जोरदार सारे मिलके जा, एक दो तीन। तुमसे ही मिली खुशियां, तुमसे जिंदगानी है, तुमसे ही मिली खुशियां, तुमसे जिंदगानी है। कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं। एक बार कौन है एहसान मानने वाला, तालियां बजा लो, मीठी मीठी तालियां, बोलो। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं। देकर भूलने वाला मैं हर दम हाथ फैलाऊं, तू जिसको बात, इसलिए यही जब बात करने का टाइम हो उस वक्त में तुम लोग इन कामों में लगे रहते। यह काम मत किया, ध्यान लगाओ थोड़ा सा, क्या पता किस पर बाबा की कृपा हो जाए और नजर पड़ जाए। थोड़ा मन लगाओ, जरा हाथ खोल के एक बार एहसास करके गाओ, जरा एक बार जोरदार, एक दो तीन। क्या बात होगी कल जब सोकर उठेंगे तो मेरे मोहल्ले वाले कहेंगे यार ये अपने ही मोहल्ले का बच्चा है। आज जब मेरी फोटो छपती है मेरे मोहल्ले वाले आशीर्वाद देते हैं।
मोहल्ला इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी पैदा होकर यही बड़ा हो गया पुरानी बस्ती, 40 साल गुजारे मैंने यहाँ पर। लेकिन बाबा जिस समय आपने मेरी तरफ नहीं देखा था तब किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा, ये आप नहीं होते तो शायद ये दरबार ऐसा नहीं लग रहा होता। एकदम बदल दिया आपने, मेरी लाइफ स्टाइल बदल दी, कॉलर खड़ी हो गई एकदम सबके सामने, कॉलर मतलब घमंड से नहीं अच्छाइयों से आशीर्वाद से खड़ी हो गई। क्यों भी एक बार कल तक जो न बदला था यार, हंसो मत, हंसो मत, बातें सुनकर मैं क्या समझू इस बात को, या तो मजे ले रहे हो या अच्छा लग रहा है। कल तक जो न बदला था तूने आज बदल डाला, तूने मेरे जीने का अंदाज बदल डाला। बोलो तूने, बजाओ बजाओ। कल तक गम की रातें थी आज भोर सुहानी है, कल तक गम आज भी सुबह होती है, कल भी रातें आंखों आंखों में गुजरती थी बाबा और आज भी जागते जागते गुजरती, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है देखो दोनों। कल जो रातें गुजरती थी रोते रोते दुखों से और आज गुजरती है आपके दरबार में, कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। ये फैक्ट है, सब बोलो एक बार। कल तक गम की रातें थी आज भोर सुहानी है, कल कुछ भी हूं आप सुनो। देखो समझदार लोगों के लिए कह रहा हूं, जो समझदार है वो जरूर गाएंगे। क्या चाहिए जब दरबार हो तब क्या चाहिए? कुछ और नहीं चाहूं बस तुझ में ही ध्यान रहे, और हर समय तेरे चरणों में बाबा मेरा स्थान रहे, या तो आप बैठाते नहीं अपने बगल अपने दरबार में, और अगर बैठाया है तो आप एक आशीर्वाद रखो बाबा, कभी उठने को मत कहना कि चलो खड़े हो पीछे, बस इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्यों भैया जी, गलत तो नहीं डिमांड? या तो बैठाया नहीं होता और अब बैठा लिया है, क्योंकि एक फर्क है, आपके दरबार में बैठे हुए पूरी दुनिया ने देख लिया होगा आपके चरणों में, अब अगर उठ कर जाऊंगा तो खेल खत्म हो जाएगा। मजा कितना, तेरी छाया में जीवन की हर शाम बितानी है, तेरी छाया में जीवन की हर शाम बितानी है, जो कुछ भी हूं मैं बाबा तेरी। आप ही चलो, अभी एक लाइन और बेटा, इसीलिए तो मतलब अगर फालतू बोल हारे के एक बड़ी प्यारी, मैंने इसलिए रोक दिया, मैं ये लाइन आप कहो जरा, मैं जाता हूँ साथ में। बहुत सुंदर अंत में एक बड़ा प्यारा सा समापन का भाव इस भजन का कि बाबा आपकी कितनी बड़ी कृपा है। सुनो देखो,
जीवन का हर सपना तूने मुझ जैसे निर्गुण को तूने इतना प्यार दिया। आज का दिन आपका तो रोज का काम बाबा जाएगा, लेकिन मेरी जिंदगी का स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा जीवन आज का दिन, क्योंकि तूने लिख दी मोहब्बत से सोनू की कहानी है, तूने लिख दी से सोनू की कहानी है, जो कुछ अभी 5-7 दिन बाद देखो आज हमारे बीच में आपने बहुत सारे भजन सुने हैं, मैं आपको भजन याद दिलाता हूँ, बहुत सारे भजन आप लोगों ने सुने होंगे। एक भजन मैंने बहुत पहले शुरुआत की थी गाने की, अरे पापा तेरी लाज बचाने आएगा, पूरा रख विश्वास जिताने आएगा, तुझ पर अपना प्यार। ये भजन था, उसके बाद एक भजन बहुत हिंदुस्तान में संजय भैया ने संजय मित्र जी ने गाया, बड़ा प्यारा भजन, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी सांवले जंतु मेरे और सिर पे तेरा। ये भजन सब लोगों ने सुने होंगे, इन भजनों के एंड में एक शब्द आता है मोहित, अगर कभी गौर से भजन सुने हो वो मोहित हमारे नीचे बैठा है जिन्होंने इन भजनों की रचना की। भैया जी आज आशीर्वाद देने जाओगे दरबार के लिए कुछ लिखे, मैं चाह रहा हूँ अभी एक भजन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी का लिखा हुआ, मैं चार लाइन बाबा मोर छड़ी दो रखी है, देखो दरबार में आज मोर छड़ी लहराओ, इसमें भजन लिखा मैंने गाया बस आने वाला है, तो हमने माता जी के भी दर्शन उसमें सबको कराने हैं, आपके भी दर्शन होने, आओ माला लाओ इधर चलो आशीर्वाद दो भैया जी। सुनिए आप करो आशीर्वाद दो, क्या स्वागत सम्मान तो आपसे क्या कराएंगे, आपका आशीर्वाद जी आएगा मोर छड़ी लहराओ, उसके दो लाइन बाबा के चरणों में गा रहा हूं इसी के साक्षी में, सुनो बाबा से क्या कह रहे हैं सुनो, है ना, चारों ओर अंधेरा छाया देता नहीं दिखाई, सपने मुख कहते थे हम आज हुए बेगाने, मेरी बदहाली पे सारे मार रहे हैं ताने, हाथ फैलाओ एक बार आज क्यों बाबा की तरफ देखकर बोलो बाबा से, बाबा मोर छड़ी लहराओ, मोर छड़ी लहराओ, घाट वाले नीले चढ़कर जल्दी से Thank you.
सुन लीजिए प्लीज, ये भजन ऐसे नहीं, आप थोड़ा मन लगा। बड़े बड़े भक्तों की जैसी मेरी भक्ति नहीं है, तूफानों से लड़ने की अब मुझ में शक्ति नहीं है, तू और बाबा छूट रहा है धीरज मेरा मन में नहीं समाई, छूट धीरज मेरा मन में नहीं समाई, मेरे जीवन से टुकड़ों की कर दो शाम विदाई, और छड़ी लहराओ ये भजन शाम दरबार फरीदाबाद के लिए हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, जो सारी झलकियां आपको देखने को मिलेगी 5-10 दिन के अंदर बाबा के चरणों में हम लोग भजन रखेंगे। हमारे मोहित भाई ने लिखा है और गाने का सौभाग्य मिला है, आइए एक बार जोरदार जयकार लगे, बोल हारे के बोल श्याम प्यारे के लेके जाएगा ये क्या, बाहर चलो हाँ बेटा कहाँ पे नहीं मंकी उधर मंकी खा जाएगा। बोलिए श्याम प्यारे की, एक लगे जयकार बोल हारे के सहारे की, पहला था उसी शाम आजा भाई तेरा भजन आ गया। छोटे भाई बच्चा गाऊं आयुष सोमानी बड़ा पसंदीदा भजन है इसका, आइए हम सब बाबा के चरणों में अपनी अपनी तरफ से बनाकर भाव रखें, सो बड़ा प्यारा सा भजन, आप लोग अगर बोर हो रहे हो बस इसके बाद चेंज है, नचना नहीं आता, नाचना बोलना नहीं आता, वो सिस्टम है नहीं, थोड़ा नाचना बोलने वाला, बोल हारे के सहारे की गाओ जरा सबको, हारे हुए लोगों को सहारा है तेरा, लोगों को सहारा है तेरा, सच कहो अब दिल हारा है मेरा, सच कहो अब दिल हारा है मेरा, सच्चे मन से प्रार्थना करो कि बाबा सच्चा दरबार है, जोत है, ओरछड़ी है, मेरी विनती है आपके चरणों में जो कुछ मन में हो कहो बैठ कर दरबार में, कहो जरा सब कहो, तुझको पुकारो हर घड़ी हर दम, अब फैसला करो, अब फैसला करो, शाम अब मेरा फैसला करो, बोलो अब फैसला करो, अब फैसला
कोई अब मेरा फैसला करो। क्यों? जिंदगी में मैंने भी उठाई बड़े गम, खोल के दिखाऊं तुम्हें दिल के जख्म। जिंदगी में मैंने भी उठाए बड़े गम, खोल के दिखाऊं तुम्हें दिल के जख्म। अब जो न आए मेरे सामने सजन, अब जो न आए मेरे सामने सजन, तुमको कन्हैया मेरे सर की कसम। अब फैसला करो, अब फैसला करो, शाम रात मेरा फैसला करो। अब फैसला करो, अब फैसला करो, शाम रात मेरा फैसला करो। जिंदगी में मैंने भी उठाए बड़े गम, खोल के दिखाऊं तुम्हें दिल के जख्म। जिंदगी में मैंने भी उठाए बड़े गम, खोल के दिखाऊं तुम्हें दिल के जख्म। अब जो न आए, अब जो न आए, अब जो न आए मेरे सामने सजन, अब जो न आए मेरे सामने सजन, तुमको कन्हैया मेरे सर की कसम। अब फैसला किनारे पे भी तो लहर डुबोती, किनारे पे भी तो लहर डुबोती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, तुमसे जो नाव मेरी चलती नहीं, तुमसे जो नाव मेरी चलती नहीं, कह दूं मैं इसमें तो गलती नहीं, कह दूं मैं इसमें तो गलती नहीं, इतनी बड़ी दुनिया चलाओगे क्या तुम। अब फैसला करो, चला करो, शाम अब मेरा फैसला करो। साथ है
है हर कदम सांवरा जब मेरे साथ है। बाबा तेरे फैसले का इंतजार रहेगा। कहते बाबा एक बार बोलो बिना भाई बोलो सब बोलो तेरे फैसले का इंतजार रहेगा। तुमसे उम्र भर प्यार रहेगा तुमसे सर पे भी शाम अब कर दो रहम अब फैसला करो शाम अब मेरा फैसला करो। एक बार प्रेम से कहिए जय श्री श्याम बोल हारे के श्याम प्यारे की सच्चे दरबार की। एक बार पुनः इस पूरे दरबार के लिए और आज के आयोजन के लिए सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। कहाँ गया वो वरिष्ठ कार्यकर्ता कुछ पाओगी लोग बदल जाए चाहे सारे शाम नहीं बदलेगा आंसू से ही पिघला है अब तक आंसू से ही पिघलेगा कर्ज तेरे आंसू का चुकाने आएगा। किस किस को विश्वास बाबा आएगा बुराने पर अब तो हाथ खोल लो जरा एक बार अब तो खोल लो और जोरदार ताली मार के सारे अरे बाबा तेरी लाज बचाने आएगा तुझे जो आंख दिखाते नजर मिला नहीं पाएंगे कोशिश करके भी वो तेरा बचाने आएगा पूरा विश्वास
जिसको आएगा अपने हाथ खोल के, दो मिनट की हाजिरी, किसी की नजर नीचे नहीं, बाबा के सामने हाथ खोल के जोरदार तालियां, एक नौ तीन। सुनो भाव, भाव सुनो। आज जो ठोकर मार रहे हैं वो ही कदम तेरे चूमेंगे, उगते सूरज के जैसे ही लोग तुझे भी पूजेंगे, उगते सूरज के जैसे ही लोग तुझे ही पूजेंगे। शाम तेरी किस्मत को, बाबा तेरी किस्मत को जगाने आएगा, बाबा तेरी लाज सुविधा से बैठे उठ कर चल दिए, कोई शक्ल दिखाने आया, कोई आशीर्वाद देने आया, लेकिन आप देखना दरबार में सबसे पहले कौन आता है? जब दरबार लगना होता है सबसे पहले कौन आता है? और सबसे आखिर में कौन जाता है? सारा काम निपटा कर, इससे बड़ा मालिक हो सकता है? लोग अपनी रिश्तेदारी से बढ़ती, मैं तेरा चाचा, मैं तेरा मामा, टाइम पर आए, कुछ अच्छा लगा तो ठीक, वरना पूरा ही निकाल के चल दिए। ये लोगों की फितरत है, लेकिन बाबा कैसे भी हाल में आपकी अर्जी पर गौर करेगा और आएगा जरूर। बोल हारे के एक बार, क्योंकि सुनो इज्जत के कहने की कीमत सांवरिया ही पहचाने, लाज से पढ़ कर मोहित भक्तों की लाज को वो माने, अपनी लाज से पढ़ कर मोहित भगत की लाज को ये माने। शाम तेरे गुलशन को सजाने आएगा, लीले चढ़ ये गाते रहिए जीवन भर, एक दिन ऐसा होगा जब ये दरबार आपके भी घर में होगा, ये मेरा विश्वास है। एक बार हाथ खोल के जरा पूरे विश्वास के साथ गाओ, अरे पापा तेरी लाज बचाने आएगा, तू टेंशन मत ले यार, सांवरिया देख रहा, तू टेंशन मत ले यार, तेरी हर जीत हार मेरा बाबा देख रहा, तेरी हर जीत हार मेरा बाबा देख रहा, तेरा सारा परिवार मेरा बाबा देख रहा, टेंशन मत ले यार, सांवरिया देख रहा।
क्योंकि देखो बड़ी बड़ी महफिलों में गाने को रोज मिलता, सच बताता हूँ, लेकिन जब कोई घरेलू कीर्तन होता है अपने शहर में हो रहा है मेरा भाग्य नहीं मेरा सौभाग्य। अरे नहीं, केवल आप मेरे एक फोन पर आए, एक बार ताली बजाइए हमारे अंकल के लिए। एक नया भजन अभी जो रिकॉर्ड किया था मैंने, हमारे रोमी भाई ने लिखा मेरे लिए। ये लॉकडाउन लगा 8-10 महीने की आपस में दूरियां रही, वापस वही दौर धीरे 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 आ रहा है, लेकिन फिर भी सावधानी बरते, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये दौर आगे बढ़ रहा है, बाबा की कृपा बरसने लगी है। देखो वरना ये हमारा ही शहर है, ये बाबा की कृपा है कि रात को 1:15 हम लोग बैठे, वरना बड़े बड़े शहरों में 10 आजकल कीर्तन खत्म हो जाते हैं, पुलिस आ जाती है, व्यवस्था है पड़ोसी, लेकिन आप लोग कर रहे हो। आओ आज इस दरबार में एक बड़ा प्यारा सा भजन। सब कुछ दिया बाबा ने, वो दिया जो हमने मांगा, और वो भी दिया जो मांगा ही नहीं, वो दिया जो मांगा और वो भी दिया जो मांगा ही नहीं। दुनिया की जिस चीज पर बच्चों ने हाथ रख दिया वो बाबा ने घर में व्यवस्थित कर दी, अवकाश से ज्यादा। सुनो एक आगे आओ ना, कुर्सी लेके थोड़ा सा। हाँ मैं नहीं कहता कभी किसी को नीचे बैठो ऊपर बैठो, जहां सुविधा हो, क्योंकि भजन सुविधा का काम है। नीचे बैठा दूंगा मन में गालियां देते रहोगे, भजन गाते रहोगे, क्या फायदा। जिसकी जहां व्यवस्था हो, जिसको जहां उचित लगे वहां बैठो, लेकिन कंफर्टेबल रहोगे तो अच्छे से गाओगे, कह रहे हैं उसके लिए। आओ सुनो बड़ा प्यारा सा एक भजन, बोल हारे के सहारे की। देखो जिसको दरबार में जो चाहिए वो मांगो, लेकिन क्या हो गया बेटा, आराम से थोड़ा सा। लेकिन कभी कभी मन में भाव रखा करो कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, और लोगों का गम देखा तो मैं अपने गम भूल गया। ये सच्चाई है क्या? लोग कहते हैं दुख, दुख की परिभाषा एक्चुअली अपने लोगों को पता ही नहीं है दुख क्या होता है। आप एक बार पूछता हूं, चलो बड़े भी बैठे हैं छोटे पाता है, एक आदमी ऐसा हाथ उठाओ इस दरबार में, इस समय बैठा जिसके घर में इस लॉकडाउन में रोटी नहीं बनी है, सब है सब कोई नहीं ना? आप इस बात का महत्व वहां जाके पूछो, जहां भी आज भी सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद भी सुबह खाकर शाम का पता नहीं होता। हम लोग इतनी बड़ी कृपा बाबा की, ठंड लगी इनर पहन लिया अंदर, और ठंड लगी जैकेट पहन ली, और ठंड लगी शॉल पहन ली, और ठंड लगी मफलर पहन लिया, लेकिन क्या सारी दुनिया ठंड का बचाव ऐसे ही करती है? बहुत सारे लोग इस सब फुटपाथ में सो रहे होंगे जिनको इंतजार होगा कि आप में से कोई आएगा शॉल उड़ा के चला जाएगा। आप तैयार होकर बैठे हुए यहाँ पर हंसते कूदते दरबार है, क्या सारी दुनिया ऐसी जिंदगी जी रही है? शुक्रिया करो कि बाबा, क्योंकि आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं अपन लोग, वो आधी दुनिया के लिए आज भी सपने जैसी है कि ऐसी भी जिंदगी होती है। जब कुछ काम पड़ा, नए कपड़े सिलवा लिए, जब कोई घर में इच्छा हुई, सही कहा इन्होंने कि माल बढ़ रहा है, चलो मांगे। लॉकडाउन में यही हुआ कि एक घर ऐसा था जिसमें खाने को दाने नहीं थे, और एक घर ऐसा था जहां पर 5 डिशेज बन रही थी। क्या आपको दुख का मतलब पता है? क्या दुख होता है जिस घर में 5 रोटी बनती है, बताओ ना? आओ सुनो एक भाव, सुनो आज बाबा से कहते हैं हारे का सहारा। आओ एक प्यार सा भजन, बिल्कुल मीठा मीठा, कोई भी चुप ना रहे, सब मांगो, औरों के लिए मांगो, दूसरों के लिए मांगो। सुनो हर रोती हुई आंख को हंसा, हर रोती हुई आंख को हंसा, तेरी मेहरबानी होवेगी। बोलो हर रोती हुई आंख को हंसा, तेरी मेहरबानी। बाबा हमारे पास तो सब है, हम तो नालायक हैं जो रोज मांगते हैं तुमसे, लेकिन मांगो उनके लिए जिनके पास कुछ नहीं, क्योंकि किसी ने कहा है और बड़े बुजुर्ग कहते थे कि तुम्हारा क्या हुआ पुण्य पता नहीं किसके आगे आ जाएगा, आपकी इस समय की फेरी हुई माला पता नहीं किसके काम आ जाएगी। आप किसी को याद करके गाओ कि बाबा उसके पास नहीं है, लेकिन वो आपसे मांगने के लायक भी नहीं है, आज मैं उसके लिए मांग रहा हूं,
क्या पता आप मांगो और अगले का पेट भर जाए, अगले की जिंदगी अच्छी हो जाए। परोपकार, सुनो सब गवाही पा। हर हारे हुए प्रेमी को जीता तेरी मेहरबानी होगी, हर हारे हुए प्रेमी आओ मेरी तरफ नहीं देखना आप, जरा आंखों से आंखें मिला के बाबा के दोनों हाथ उठा के फरियादी वाले हाथ और जोरदार ताली बजा के साए। हरे रोती हुई आंख को हंसा तेरी मेहरबानी होगी, हरे रोती हुई आंख को हंसा तेरी मेहरबानी होगी, हरे हारे हो गए तेरी खजता हो, हरे हारे हो गए तेरी खजता तेरी मेहरबानी होगी, हरे हारे हो गए तेरी खजता तेरी मेहरबानी होगी। Thank you.
आते हैं यकीन से। जो बीमार होगा वही तो डॉक्टर के पास जाएगा, और किसी डॉक्टर पे अगर कोई स्पेशलिस्ट हो तो लाइन भी लगती है वहां पर। तुम्हारे दरवाजे पर लिखा हुआ या हरे को जिताया जाता है या नैया को चढ़ाई जाती है, बहुत सारी उपाधियां तुम्हारे दरवाजे पर लगी है, और यही सुन सुन कर बाबा दरबार में लोग आते हैं। लेकिन रोगी वाले रोगी ही मिलते हकीम से, होके लाचार सब आते हैं यकीन से। मेरे रोग वाली दवा तू बता, मेरे रोगों वाली दवा तू बता, तेरी मेहरबानी तेरी मेहरबानी तेरी मेहरबानी होगी। बोल श्याम की हरे के जय। सभी के लिए दरबार मंगलमय हो, आपकी सब मनोकामनाएं बाबा पूरी करे, तेरी मंगल कामना। किस किस को है बाबा का भरोसा? चलो हाथ खोल लो, वो खुल गई क्या एंट्री आज रजिस्टर खुल गया क्या? सोना सोना रजिस्टर खुल गए दर्शन के फुल हो गए, खुल के फुल हो गए। अरे अभी दो चार दिन बाद 10 से 20 खुल गए ना, रजिस्ट्रेशन करो सबका सबका, तुम अपनी अपनी आईडी निकालो करो। खाटू वाले हमें बुला ले, एक बार खाटू था भरोसा तेरा है। खाटू वाले हमें बुला ले, एक बार खाटू था भरोसा तेरा है। तेरा है प्रभु तेरा है, एक आसना तेरा है। वो तेरा है बाबा तेरा है, एक भरोसा तेरा है। खाटू वाले हमें बुला ले, बात वचन ही धारी तू, भीम पुत्र बलकारी।
आधारी तू, मात वचन ही आधारी तू, भीम पुत्र बलकारी तू, शीश के दानी महाबलवानी, शीश के दानी महाबलवानी, हाथ वाले शाह मुसा तेरा है, हाथ वाले हमें बुलाले, अकबर का दूल्हा मुसा तेरा है। नरसी जी की तेर सुनी टूटी गाड़ी ठीक करी, नानी भाई को भात भयो भक्त की इच्छा पूरी करी, ओ हर्ष हर्ष गुण गावे नरसी हर्ष हर्ष गुण लेकर तेरा नाम आसरो तेरा पहला भाव है। एक बार जिसने अब तक कुछ नहीं गाया होगा हो, एक नहीं सब गाओ। अरे लाखों को तुमने तारे बड़े बड़े कारज सारे, मन इच्छा फल को पाते जो आवे तेरे द्वारे, अटल चिरंजी द्वार खड़ा है, राखदास की आरोसा तेरा है, आलू वाले भरोसा तेरा है, तेरा है प्रभु तेरा है, एक आसरा तेरा है, खाटू वाले हमें बुला ले, एक बार खाटू धाम भरोसा करेंगे। एक बार आदरणीय संजय पारिक भैया के लिए जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां बजा। बोल हारे के सहारे के साचे दरबार के, आओ इस भजन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बड़े भाई आयुष चौहान। Thank you.
अभिषेक नामा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की और बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसा जन्मदिन होने की। ऐसा जन्मदिन किस्मत वालों को मिलता है। एक बोलिए सच्चे दरबार की एक बार। अभिषेक मैं चाहूंगा मेरे साथ में गाए। हाँ ठीक है, मैं एक सेकंड रुका हूं। बोलिए सच्चे दरबार की आ रहा है। हाँ जयकारे लगा देते हैं। बातें नहीं करनी। हाँ ये दरबार हर किसी के नसीब में नहीं होता। सैकड़ों लोग तरसते रहते हैं कि ऐसा दरबार मेरे घर में भी लगे और बाबा बड़ा जिस पे मेहरबान हो जाए उसके घर पे रहता है। और ये सच्चाई है जो मैं गा रहा हूं, सुनो। किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। बोलिए किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। ओ सच्ची सरकार तुम्हारी मानते हो ये सच्ची सरकार है। एक बार जरा अपने मुख से बोलो सच्ची सरकार तुम्हारी। सच्ची सरकार किस्मत वालों को मिलता है श्याम। कौन कौन अपने आप को किस्मत वाला मानता है? पूरे पूरे हाथ उठा कर पूरे पूरे अरमीन कर जोरदार तानी हो जाकर बोल देना। ओ किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। ओ सच्ची सरकार तुम्हारी। सच्ची सरकार तुम्हारी। सच्ची सरकार तुम्हारी। सच्ची सरकार तुम्हारी। सच्ची सरकार Thank you.
पाए समझ न पाए दुनिया दीवानी तुमसे कन्हैया मेरी तुमसे कन्हैया जो भी गया है सांवरिये के दार पाया उसने सांवरिये का प्यार जो भी गया है सांवरिये के दार पाया उसने सांवरिये का प्यार एक झलक जिसको भी मिल जाए महक उठे मन बगिया खिल जाए एक झलक जिसको भी मिल जाए खाली झोली जलाए खाली झोली जलाए खाली झोली जलाए खाली झोली जलाए भलता भंडार किस्मत वालों को मिलता है शाम फेरा घरवा किस्मत वालों को मिलता है शाम साचो थानो दरबार सेवक आयो थाने दार बाबा ध्यान रखना साचो थानो दरबार सेवक आयो थाने दार बाबा ध्यान रखना बाबा थानो काम पलोगी दुखी आलो सतावे दे जहां बाबा थानो बस एक सहारा है खाटू वाला श्याम हमारा है कलयुग में बस एक सहारा है खाटू वाला श्याम हमारा है चारों तरफ दरबार की चर्चा है
हाथों हाथ ये देता परचा है, चारों तरफ दरबार की चर्चा है, हाथों हाथ ये देता परचा है। अपने आप को किस्मत वाला मानते हो? कौन कौन मानता है? कौन कौन अपने आप को किस्मत वाला मानता है कि इस दरबार में बैठने का मौका दे दिया बाबा ने? पूरे हाथ उठाकर कहना है, आज इस दरबार में बैठने का मौका दिया है बाबा, तो आज से विश्वास हो गया। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो करता है ये, ओ दुखड़े अपने इन्हें सुना जाओ, संजू श्याम शरण में आ जाओ, दुखड़े अपने इन्हें सुना जाओ, संजू श्याम शरण में आ जाओ। बिगड़ी बातें श्याम बनाएगा, जब भी पुकारो दौड़ाएगा, बिगड़ी बातें श्याम बनाएगा, पल भर की देर करना, पल भर की देर करना, ऐसा दिलदार। और सच्चाई है, किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार, ओ किस्मत वालों को मिलता है शाम। और जब मिल जाता है तब प्रेमी कहता है बाबा, ओ बाबा मुझे ये तो बता, कोई इतना भी देता है, दिया तूने जितना, दिया तूने जितना, और तूने बना दी है आका। आपसे पहले, आपसे मिलने से पहले ने पहले कोई औकात नहीं थी, ये तो आज है जो चार लोग जान रहे, और ना आपसे मिलने से पहले कोई नहीं जानता था, आपका नाम मिलने के बाद कोई जानना शुरू किया बाबा। इसलिए और तूने बना दी है आका, बाबा थाम के मेरा, तूने बना दी है आका, बाबा थाम के मेरा, दिया तूने जितना, दिया तूने जितना। ये हमें लगता है जब दिन खराब हो जाते हैं कभी कभार, जैसे लॉकडाउन के दिन खराब हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम परेशान हो रहे हैं बहुत, परेशानी
आपकी बात बिल्कुल सही है, सहमत है, लेकिन कुछ को हालात ऐसे जकड़ लेते हैं कि उनको परेशानी होना मजबूरी हो जाता है और वो उनकी गलत फहमी होती है। क्यों? जितना मैं परेशान था उतना ये मेहरबान था। बोलो। जितना मैं परेशान था उतना ये मेहरबान था, हर एक कदमों का मेरे बाबा तूने ये बात था। जब परेशानी थी तब समझ में नहीं आती थी। अरे रखो माला, माला बाद में रखो, अरे रखो अभी, अरे नहीं नहीं, अरे बैठो बैठो। जब परेशानी थी तब कुछ भी नहीं सूझा, ये पहले पहले। लेकिन बाबा का हाथ नहीं दिखाई दिया, लेकिन बाबा ने पकड़ा था। तब कहा बाबा से, बाबा आने न दिखोई तूने बना दी बिगड़ी बा दिया तूने जितना ओ दिया तू। ये दरबार सजाने के औकात मेरी नहीं है। अगर घर में भी आपको बुलाने की इच्छा जागी तो वो इच्छा भी आपने डाली, मेरी औकात नहीं थी आपको बुलाने की। मैं क्या आपका श्रृंगार कराऊंगा, मैं तो खुद आपके श्रृंगार से चमकता हूं बाबा, मैं क्या श्रृंगार कराऊंगा। और तूने बना दी है आका बाबा थाम के दिया तूने जितना दिया तूने जितना। अरे देने से पहले सांवरे सोचा है क्या कभी, देने से पहले सांवरे सोचा है क्या कभी। ओ कर्जा गरीब का भी क्या, कर्जा गरीब क्या भी क्या चुकता है क्या कभी। देने से पहले सांवरी सोचा है क्या, देने से पहले सांवरे सोचा है क्या कभी, कर्जा भी क्या गरीब का चुकता है सांवरे। देने से पहले सांवरी सोचा है क्या कभी। देने से पहले सांवरे सोचा है क्या कभी, सोचा है क्या कभी, कर्जा भी क्या गरीब का, कर्जा भी क्या गरीब का चुकता है सांवरे। देने से पहले सांवरे सोचा है क्या कभी। Yeah.
नजमों के सर मेरा प्रभु लगता है सांवरे, नजमों के सर मेरा प्रभु लगता है सांवरे। सांवरे देने से पहले सांवरे गरीबों के दाता हो गर तुम मुरारी, गरीबों के दाता हो गर तुम मुरारी। मेरी पार्टिया लगानी पड़ेगी, मेरी पार्टिया लगानी पड़ेगी। जो तुमने करोड़ों की बिगड़ी सवारी, जो तुमने करोड़ों की बिगड़ी सवारी, मेरी पार्टिया लगानी पड़ेगी। मेरी पार्टिया धमाल करेंगे सब लोग।